नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे अपने YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको इसका असली मर्म समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है ज्ञान की परीक्षा। दोस्तों, इस संसार में यदि कोई आपसे पूछे कि आपको क्या ज्ञान है, क्योंकि ये सवाल मुझसे एक इंस्पेक्टर साहब ने पूछा था कि पंडित जी आपको क्या ज्ञान है, तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे कोई ज्ञान नहीं है, न आपको कोई ज्ञान है। इस संसार में जितने भी प्राणी होते हैं उन सबको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान की बात होती है तो हम जो पढ़ाई करते हैं, यदि हम LKG से PhD तक भी पढ़ाई कर लेते हैं, वो जो हमें ज्ञान मिलता है उससे हमें भौतिक ज्ञान मिलता है। भौतिक ज्ञान वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये हमारा जिस प्रकार से शरीर हमारा भौतिक शरीर है, उसी प्रकार से भौतिक ज्ञान हमें मिलता है। दोस्तों, यदि ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान होता है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि सर, जो भी ज्ञान है वो मेरी, आपकी और इस संसार के प्रत्येक प्राणी की आत्मा को ज्ञान होती है, क्योंकि आत्मा ही सच्ची ज्ञानी होती है। इसलिए कहते हैं जो आत्मज्ञानी है वही पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। बाकी हम भले ही ज्ञान का अहंकार करें, कितना भी करें कि मुझे बहुत ज्ञान है, गलत है, वो सिर्फ अहंकार ही होता है, वो ज्ञान नहीं है। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक स्नान करना पड़ता है। जिस प्रकार से शरीर का आहार भोजन होता है, उसी प्रकार से आत्मा का आहार भजन होता है। यदि हम खूब दूध पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो हमारी शरीर बलवान होता है। उसी प्रकार से यदि हम चलते फिरते उठते बैठते हर समय ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर का मानसिक जाप करते हैं उनके नामों का, तो उससे हमारे आपके आत्मा को बल मिलता है। यदि 10 से 15 से 20 वर्षों के अभ्यास के द्वारा जो व्यक्ति श्वास में प्रभु के नाम का चिंतन करते हुए उनको बसा ले, वो मनुष्य अपने आत्मा के बल के प्रभाव से अपने ही मन और इंद्रियों पर स्वतः ही विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस संसार में भौतिक चीज़ों को छोड़ करके भौतिक चीज़ों पर सिर्फ उतना ही ध्यान दें जितना हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और अधिक मोह में पड़ने पर हम जो है ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें मानसिक स्नान करना पड़ेगा। दोस्तों, स्नान 7 प्रकार का होता है। यदि हम 4 बजे भोर में स्नान करते हैं तो उसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। यदि हम 8 से 9 बजे के बीच में स्नान करते हैं तो उसको वारुणी स्नान कहते हैं। यदि हम 12 बजे स्नान करते हैं दोपहर को, तो उसको आसुरी स्नान कहते हैं। यदि हम मिट्टी पोत लिए पूरे शरीर में, तो उसको मृतिका स्नान कहते हैं। यदि भस्म पोत लिया तो उसको भस्म स्नान कर लिए, गंगा स्नान किए, तीर्थ स्नान किए, उसको तीर्थ स्नान कहते हैं, क्योंकि माँ गंगा भी एक तीर्थों में आती हैं। तो और यदि कई महीनों से कोई स्नान नहीं किया है और चलते फिरते उठते बैठते हमेशा प्रभु का चिंतन स्मरण मनन कर रहे हैं, तो उसको मानसिक स्नान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के निरंतर अभ्यास के द्वारा यदि हम मानसिक स्नान करते रहें, तो 10 से 20 से 25 वर्षों के अंदर, 25 वर्ष ये लास्ट सीमा, क्योंकि जब हम LKG में अपना एडमिशन कराते हैं या बच्चों का कराते हैं, तो LKG से लेकर PhD तक का जो समय होता है वो कम से कम 25 वर्ष का समय बीत जाता है, तब जाके मास्टर डिग्री
हमें प्राप्त होती, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। दोस्तों उसी प्रकार से अंतर दोनों में ये है कि ये भौतिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान से हम पढ़ लिख करके पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार सुखी रख सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान से हम अपने परिवार का, विश्व का भी कल्याण कर सकते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए शक्ति से निरंतर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अधर्म का प्रभाव इतना प्रबल है। यदि हम अपने इस भौतिक शरीर से उनसे लड़ेंगे तो वो हमें ही नष्ट कर देंगे, इसलिए उनसे भी लड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति आत्मज्ञान में होती है। मैं चैलेंज करता हूँ कि यदि 25 वर्षों में या 10 वर्षों में या 15 वर्षों में यदि हम 125 करोड़ गायत्री मंत्र का ही जप कर लें विधि विधान से, तो मनुष्य शरीर से हट करके हम दिव्य शरीर धारण कर लेंगे। ये 100% सही है। यदि हम 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो कम से कम 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे हमें चाहिए। और यदि हम दोपहर में भी करते हैं, यदि हम 5 माला भी दोपहर में करते हैं तो 1 घंटे दोपहर में चाहिए। और यदि हम शाम को करते हैं 1008 यानी 11 माला करते हैं तो ज़्यादा ही होगा, तो भी 2.5 घंटे चाहिए, यानी 5-6 घंटे यदि हम नित्यपति यदि हम लगाते हैं तो यानी हम 2.5 से 3 हज़ार के बीच में, मान लीजिए 2.5 हज़ार ही यदि हम नित्यपति जप करते हैं तो 75 हज़ार होता है 1 महीने का, और 1 साल का होता है 10 लाख करीब 90 लाख जो भी होता है। इस प्रकार से 10 से 15 वर्षों के बीच में हमारा वो 125 करोड़ मंत्र का जप पूरा होगा। तो दोस्तों यदि हम 6 घंटे नित्यपति पढ़ाई भी करते हैं तो भी हम कुशल हो जाएंगे, एक अच्छे सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम 6 घंटे ही मात्र यदि प्रभु के चिंतन में, जप में, तप में, ध्यान में निकालते हैं तो वो उपलब्धि हासिल होती है जो हमारी आत्मा शरीर धारण करने से पहले लक्ष्य बना के आती है और माया में पड़ करके शरीर के अंदर विकारों, इंद्रियों के विकारों में फंस करके वो बलहीन, शक्तिहीन, अधर्म के चक्कर में फंस जाती है, और क्योंकि हम फंस जाती है और धर्म की इच्छा होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पाती। और मनुष्य हम आप मिल करके अधर्म करते जाते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। 36 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं जो पाप हैं। तो दोस्तों यदि हम निरंतर चिंतन करेंगे तो हमारे बुद्धि मन विकार से मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध चित्त हो जाएंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और बिना प्रभु की कृपा के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब हम आरंभ करते हैं तो उससे हमें इसका बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों आइए आज से हम संकल्प करते हैं नित्यपति, श्वास श्वास में ईश्वर का प्रत्येक क्षण चिंतन करने का, क्योंकि ये जीवन बहुत ही छोटा है। यदि हम 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो टोटल मिला के 36,500 दिन होते हैं, जो 4 दिन आगे पीछे मान लीजिए, 31 का महीना भी कभी होता है, कुछ भी मान लीजिए। तो दोस्तों जिसमें से 28,000 दिन के बाद शरीर जर्जर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें हर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन का मानसिक
भौतिक दैहिक दैविक भौतिक जिस रूप से भी हो सके अधिक से अधिक समय हर कार्य को करते हुए ईश्वर के चिंतन में यदि हम दें तो हमें रियल ज्ञान की प्राप्ति होगी और संपूर्ण ऐश्वर्य भोगों की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसने भी प्रभु का तप किया जप किया उसको समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों असली ज्ञान यदि कोई है तो वो आत्मज्ञान ही है, इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर आज से संकल्प करके आरंभ कीजिए। यदि मन में जो इच्छा होती है उस कार्य को कीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए अपने मन को इंद्रियों को कि हे प्रभु भोलेनाथ गुरुदेव हैं, इसलिए शिव को गुरु मान करके अपने संकल्प करके चिंतन कीजिए जिस किसी को आप मानते हैं। देखिएगा जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और सब कुछ प्राप्त होते हुए ये जीवन भी सफल हो जाएगा। धन्यवाद।